मैं बहुत परेशान थी पिछले 2 साल से, और 2 साल मैंने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी लिया, पर कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ मुझे। आपका किसी नोन ने आपका प्रीफ्रेंस दिया कि मैम अच्छी डॉक्टर है, उनसे दिखाओ आप। फिर मैं आपके पास आई, आपने अच्छा ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी मैम है, बहुत अच्छी तरह ऑपरेट किया, बहुत ध्यान रखा मेरा। हेलो अर्चना जी, हमारे जयपुर दूरबीन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि एक्चुअली आपको क्या प्रॉब्लम थी और मुझे एंडोमेट्रियोसिस एंड मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे, और मैं बहुत परेशान थी पिछले 2 साल से, और 2 साल मैंने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी लिया, पर कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ मुझे। और मुझे हॉस्पिटल में डरा दिया गया था कि मुझे कैंसर हो सकता है, ऐसा कुछ सुनने में मिला मुझे अलग अलग जगह। मैंने दिल्ली तक दिखा लिया था। फिर मुझे आपका किसी नोन ने आपका प्रीफ्रेंस दिया कि मैम अच्छी डॉक्टर है, उनसे दिखाओ आप। फिर मैं आपके पास आई, आपने अच्छा ट्रीटमेंट किया। तो आपका क्या प्रॉब्लम था एग्जैक्टली? एंडोमेट्रियोसिस एंड मल्टीपल फाइब्रॉइड्स। और फाइब्रॉइड का साइज? फाइब्रॉइड का साइज 5-6 सेंटीमीटर के कितने थे? 3 वो आप बताइए, बड़े बड़े 7-8 सेंटीमीटर के। एंडोमेट्रियोसिस एंड 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का एंडोमेट्रियम, 7 सेंटीमीटर के 3 फाइब्रॉइड, और टोटल यूट्रस का साइज था 28 हफ्ता, यानी कि 28 वीक साइज का मीनिंग आप जानते हैं, 7 महीने का जो बच्चा होता है पेट में। दैट मच बिग यूट्रस यू केम विद टू मी। पर वो दिखता नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दिस मच साइज वाज देयर। सो एक्चुअली उसको जैसे नहीं, वो फील होता था ऐसे मैं इधर से उधर खिसक जाता था, वो ऐसे था, मूवेबल था। हाँ, बहुत ज्यादा। तो आपने 2-3 साल से बीमारी बताया आपको? 2 साल से। और 2 साल आपने क्या किया वो तो बताइए जरा। 2 साल मैंने पहले तो एक हॉस्पिटल में दिखाया, फिर दिल्ली दिखाया, दिल्ली में भी उन्होंने ऐसे ही मुझे डरा दिया कैंसर हो सकता है। फिर मैंने आयुर्वेद ट्रीटमेंट लिया, उसमें भी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, मतलब उन्होंने बोला कि हो जाएगा ठीक, टाइम लगता है इसमें, बट कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा कि मुझे सर्जरी ही करानी है। हमारे सारे दर्शकों को एक चीज़ जाननी है, बहुत ज़रूरी है कि लोगों को, ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि जो गांठ है, फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, वो आयुर्वेद या होम्योपैथी से ठीक हो जाता है। बट यू आर, मुझे भी ऐसा लगा कि ठीक हो जाता है और हो जाएगा, हो जाएगा, बट उन्होंने ऐसे बोला कि 6 महीने में ठीक हो जाएगा, पूरी तरह ठीक हो जाएगा बोला। अब 2 साल में भी नहीं हुआ, ये शायद 10 साल में भी नहीं होता। दैट्स अ वेरी मच ट्रूथ, ये बिल्कुल सच है कि अननेसेसरी आप लोग आयुर्वेद की और होम्योपैथी की दवाइयाँ लेकर फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस का केस आप बढ़ा लेते हैं। किसी भी बीमारी के लिए ये दवाइयाँ लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस बीमारी का इलाज सर्जरी है तो उसका आपको सर्जरी फाइनली करानी ही पड़ेगी। और जो दूसरा बहुत बड़ा मिथ है कि इतनी बड़ी गांठ होकर लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन से सर्जरी नहीं हो सकती, अब वो आप बताइए कि दूरबीन से सर्जरी आपकी हुई, कैसी हुई, हो सकती है ऑपरेशन में आपको क्या परेशानी आई? बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं है। आपको ऑपरेशन के दौरान आपको पता चला कि ऑपरेशन हो रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑपरेशन के बाद मैं बस वहाँ पे गई, मैं ये देख रही थी क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं। क्या क्या देखा, क्या क्या याद है आपको ये बताइए। मुझे ज्यादा याद नहीं है, वो लेप्रोस्कोपी के लिए जो आप यूज करते हो ना, टेलीस्कोप वगैरह, वो चीजें मुझे दिखी थी बस। अच्छा, पहले दिखी होंगी? हाँ, पहले वो, बाद में तो कुछ भी नहीं पता चला मुझे। ऑपरेशन के बाद आपको कैसा लगा, बहुत दर्द हो रहा था? नहीं, दर्द तो हुआ ही नहीं, मुझे सर्दी लग रही थी। सर्दी लगती है, वो एसी चला के रखते हैं ना ओटी के अंदर। नहीं, मुझे दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और ऑपरेशन के बाद जैसे आप वार्ड में, रूम में आ गए? नहीं, रूम में भी नहीं हुआ, मुझे चलते टाइम भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। और कितने दिन अस्पताल में रुकना पड़ा? बस 2 दिन। पूरे 2 दिन रुके? हाँ। और उस टाइम आपने खाना पीना? हाँ, खाना पीना खाया मैंने, सेकेंड डे रहे थे। हाँ, कोई तकलीफ नहीं? बिल्कुल। तो अब आप क्या रिकमेंडेशन देंगे लोगों जो लेडीज डरती हैं ऑपरेशन के लिए और ऑपरेशन के नाम पे बीमारी पालती रहती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पालनी चाहिए, जैसे मैंने पाली 2 साल, कोई भी बिल्कुल भी मत पालो, 1 महीने भी मत पालो, ऑपरेट करा लेना चाहिए साथ के साथ, वरना बहुत इशू आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैम बहुत अच्छी हैं। आपका जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस कैसा है, वो एक बार शेयर कीजिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी मैम है, बहुत अच्छी तरह ऑपरेट किया, बहुत ध्यान रखा मेरा। थैंक यू अर्चना जी, विश यू बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड आपको दुआ करेंगे आपके लिए कि दोबारा से आपको ऐसी कोई बीमारी ना हो। बट डेफिनेटली अगर किसी को आपके आसपास में, फैमिली फ्रेंड्स में ऐसा हो, तो एटलीस्ट उनको ये सही राय दीजिए कि बीमारी ना पाल ले, और यदि बीमारी है तो उसका दूरबीन से इलाज संभव है। बिल्कुल, ऐसे कोई सा बीमारी, ऐसा कोई सी गांठ नहीं है जिसको दूरबीन से ना निकाला जा सके। चीरे वाला ऑपरेशन कराने में फाइनली थी, मुझे कराना ही नहीं था, ओपन तो कभी भी नहीं कराना था। तो आपको ऐसा क्यों लगा, क्यों ओपन क्यों नहीं कराना, दूरबीन वाला क्यों कराना? नहीं कराना था भाई, निशान बता दो, निशान है जाते, इसलिए नहीं कराना था। निशान ही एक चीज थी, और भी कुछ फायदा है?
निशान भी है और आपको रेस्ट भी ज्यादा करना पड़ता है उसके लिए, और अस्पताल में भी ज्यादा बहुत ज्यादा रहना पड़ता है। आप 6 महीने रेस्ट करोगे उसके लिए, इसके लिए आप 7 दिन में अपने काम पे वापस जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, खाना खा सकते हो। आपने अच्छे से लेप्रोस्कोपी के फायदे समझे। बिल्कुल, मैंने सब कुछ देख के आई थी ऑपरेट कराने से पहले। थैंक यू सो मच।